नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। दरअसल सीतापुर के हाजीपुर से लखीमपुर खीरी के नीमगांव क्षेत्र के रामपुर में बारात आई हुई थी, जहां सब कुछ सही चल रहा था। जब शादी समारोह में द्वारचार की रस्म निभाई जा रही थी, तभी दूल्हे के रिश्तेदार की रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चल गई, जो सीधा दूल्हे को जा लगी, जिससे दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। शादी की खुशियां चंद लम्हों में ही मातम में तब्दील हो गई। दूल्हे की मौत से चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहीं फायरिंग करने वाला रिश्तेदार मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। बागपत में शिक्षा के मंदिर में पाप हुआ है। खेकड़ा थाना क्षेत्र स्थित होली चाइल्ड बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। पीड़ित छात्र के सीनियर 12वीं कक्षा के 3 छात्रों ने मासूम के साथ घिनौनी कृत्य को अंजाम दिया। पीड़ित छात्र कक्षा 5 में पढ़ता है, जिसके साथ कई रातों तक तीनों आरोपियों ने जबरन कुकर्म किया। बीते कल जब छात्र छुट्टी पर गया तो उसने अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पीड़ित के पिता उसे खेकड़ा थाने लेकर पहुंचे और आरोपी छात्रों के खिलाफ कुकर्म करने की तहरीर दी। पीड़ित की तहरीर पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में ले लिया और पीड़ित छात्र को मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं जब हमने स्कूल प्रधानाचार्य से पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने मिलना तो दूर बल्कि फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि शिक्षा के मंदिर में पाप हो जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन गुंडे ही दिखा रहा है। इस घटना के पीछे जितने ये तीनों छात्र आरोपी हैं, उससे कहीं ज्यादा बोर्डिंग स्कूल प्रबंधक है, जिन्हें आरोपी छात्रों को सामाजिक ज्ञान और संस्कार नहीं दिए। ये स्कूल में इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसपे तुरंत कल मुकदमा लिखा गया और बच्चे का मेडिकल कराया गया और उसमें उससे के बयान के आधार पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। उनमें से 2 लोगों को डिटेन करके उन्हें माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है। 1 की और तलाश की जा रही है तथा इसमें स्कूल के और ढेर सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वहां इस बच्चे के साथ क्यों इस तरह की घटना हो गई। कितनी बार घटना, कितने दिन से उसके साथ ये मामला चल रहा था? बच्चा परिस्थितियां बताया है कि जब से ये चल रहा था, उन सारी चीज़ों को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्दी ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया जाए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन सी बच्चा अभी कम उम्र का है? बच्चे की उम्र अभी मात्र 9 वर्ष है। और कितने उम्र के लड़कों ने उसके साथ ये उसके साथ इंटर के बच्चों ने किया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। उसमें से 2 डिटेन करके न्यायालय में पेश भी किए जा रहे हैं, 1 की तलाश की जा रही है। धारा जो इसमें लगती है वो पूरी धाराएं लगी। थाना नागल के क्षेत्र गांव ताशीपुर निवासी मोहम्मद मुकर्रम पुत्र सफी 28 वर्ष और तसव्वर उर्फ मोटा पुत्र मुरसलीन लकड़ी की कटाई करने के लिए थाना रामपुर के गांव रेडी मलकपुर में आए थे। दोपहर करीब समय 1:30 बजे मुकर्रम खाना खाने के बाद बड़ी नहर में बर्तन धोने के लिए आया कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह चलती नहर में गिर गया। मुकर्रम की जान बचाने के लिए उसका साथी तसव्वर भी नहर में कूद गया, मगर पानी के तेज बहाव ने दोनों युवकों को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना रामपुर पुलिस ने दोनों युवकों को नहर से निकलवाया, मगर तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। मृतक युवक मुकर्रम शादीशुदा था, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, वहीं दूसरा युवक अविवाहित था। दोनों युवकों की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के मौजूदा लोगों ने बताया कि दोनों ही युवक बड़े ही गरीब परिवार से थे। ये आज दिन की बात है, तकरीबन 3:30-4 की। ये 2 आदमी थे, लड़के ही थे अभी। एक तसव्वुर है और एक दूसरा है मुकर्रम। ये दोनों पल्लेदार मजदूर टाइप के लड़के थे, यहीं पास में खेड़ी मलकपुर गांव में लकड़ी की कटाई वटाई का मजदूरी कर रहे थे, तो अपने नहाने चले आए थे नहर पे। और नहर पे जहां ये नहाने उतर गए, वहां गहरा था, वहां फंस गए और दुर्घटनावश जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई। जी सर, सर किस टाइम का हादसा है सर? ये तकरीबन दिन में 3:30-4 का हादसा है और दुखद घटना है। बिचारों के साथ अनफॉर्चुनेट ये घटना हुई कि वहाँ ये चले गए, वहाँ बाई चांस पानी गहरा था, इन्हें अंदाजा नहीं था और डूबने के कारण इनकी मृत्यु हुई।
मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अग्रवाल मार्केट में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी चोरी कर ली। वहीं यह चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महावीर चौक स्थित अग्रवाल मार्केट का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने संजय इलेक्ट्रिक की दुकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान की छत से जीने की दीवार तोड़कर दुकान में प्रवेश किया, जहां अज्ञात चोरों ने दुकान में रखी 5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की यह वारदात कैद हो गई। वहीं सुबह दुकान मालिक को मामले की जानकारी मिली, जिस पर सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर एसपी सिटी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी हरीश भदौरिया और थानाध्यक्ष डीके त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। सुबह संजय इलेक्ट्रिकल और लगभग मैं रात 11:30 के बाद पत्थर घर गया और सुबह जब मैंने आके देखा तो दुकान का गला टूटा हुआ था जी। फिर मैं दुकान के ऊपर जाके जीना चेक करा तो जीने की दीवार तोड़कर मैं अंदर आया और मेरे यहाँ दुकान का कैश लेना 5 लाख रुपया मेरा दुकान है जोड़ता हूँ इतना बैठा। पुलिस ने 100 नंबर सूचना दे दी है और दहरी लिख के दे दी है। रात में संजय इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है, इसमें एक चोरी की घटना हुई है। सुबह जब इसके मालिक आए तो उन्हें मालूम पड़ा, करीब 8:30 बजे इन्होंने दुकान खोली। जो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट है वो ये है कि जिस तरह से जो मॉडस ऑपरेंडी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है इस घटना में सम्मिलित जिसे पूरी आइडिया है, क्योंकि 3 मंजिले पे पहुँच के दीवार का तोड़ना, उस तोड़ के अंदर जाना और वहाँ केवल जहाँ इनका कैश रखा था केवल उसी कैश को, अन्यथा लाखों रुपये का सामान इस दुकान के अंदर था। इसमें कुछ लोगों पर एक सर्विलेंस के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, इनसे भी मदद ली जा रही है। पुलिस अपने और पारंपरिक तरीकों से भी प्रयास कर रही है, जल्दी इस घटना का अनावरण होने की उम्मीद है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनका 5 लाख कैश रखा था, बाकी जो एक दो जगह और दरवाजा वरवाजा हटाया गया है ऐसा लगता है जैसे वो दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया है। अभी उसे रूल्ड आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है उससे ऐसा ही लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा नजदीकी आदमी इस घटना में अंतोगत्वा पाया जाएगा। रविवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं खुशियों के कुछ पल मुजफ्फरनगर की जिला कारागार में भी देखने को मिले, जहां जिला कारागार में बंद 6 कैदियों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। इन सभी कैदियों ने यह परीक्षा डासना जेल में रहकर दी, जिसका परिणाम आते ही कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन कैदियों में 3 कैदी आजीवन कारावास की सजा पाए हुए हैं, जबकि 3 कैदी अन्य धाराओं के तहत सजायाफ्ता है। आजीवन कारावास में बंद प्रवीण कुमार पुत्र सुरेंद्र पाल ने इंटरमीडिएट में 70.2 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी हासिल की। वहीं धारा 302 के तहत जेल में बंद सूरज मलिक पुत्र शिवराज सिंह ने 72.6 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी के साथ ही 3 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की है। आजीवन कारावास में बंद जोगा सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह ने भी इंटरमीडिएट में 71.6 अंक के साथ बायोलॉजी में विशेष योग्यता हासिल की। हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे सोनू पाल पुत्र सखन पाल ने 78.6 अंक के साथ 4 विषयों में डिक्टेशन हासिल की है। धारा 302 में बंद रामदेव पुत्र करण सिंह 68% अंक के साथ 1 विषय में विशेष योग्यता हासिल की है। वहीं अशोक यादव पुत्र रहतू ने हाई स्कूल की परीक्षा में 66.7 अंक के साथ 1 विषय में विशेष योग्यता हासिल की। हमारे यहाँ 3 बंदियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा और 3 बंदियों ने हाई स्कूल की परीक्षा डासना जेल पर दी थी यूपी बोर्ड की, जिसमें 6 के 6 बंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और जो इंटरमीडिएट के 3 बंदी हैं वो 70 से 72% नंबर के साथ पास हुए, और ऐसे ही हाई स्कूल के बंदी हैं वो भी प्रथम श्रेणी में और कुछ विशेष योग्यता के साथ कुछ सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इनके पास होने से और अच्छे नंबरों के साथ पास होने से जेल के अन्य बंदियों में पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, अपनी तैयारी करने की प्रेरणा मिलेगी और इससे वो जेल के अंदर रहते हुए भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इससे प्रेरित होंगे। मेरी इन सभी बंदियों ने जो उत्तीर्ण किया है इन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसमें से ऐसे कौन बंदी है जो आजीवन कारावास की है? इसमें 3 बंदी आजीवन कारावास के हैं, 1 बंदी 7 वर्ष की सजा से और 2 बंदी अंडर ट्रायल, उनके केस लंबे चले। मुजफ्फरनगर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम रविवार को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया गया, जिसमें गोस ग्रेस इंटर कॉलेज के छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन कर दिया।
आपको बता दें कि मोहम्मद ताबिश ने हाई स्कूल में 82% और हिना नाज ने 79% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉप किया है। वहीं इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 99% रहा। विद्यालय के सभी सफल छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य व शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई दी। वहीं विद्यालय द्वारा सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। मैं 10th में थी और मेरे 79% हैं और ये सब जो है वो मेरे टीचर्स के वजह से है और मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे बहुत सपोर्ट किया है और यही रीज़न है कि मैं आज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी कर पाई हूँ अपने लिए। उसके लिए तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था और डर भी था और पढ़ाई भी बहुत की, तो अच्छा लगा कि मतलब मेरी पढ़ाई का ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है। जूनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको मतलब अपने हिसाब से वो करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और किसी को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। I want to be a fashion designer in my future and I choose art side for this and I will be highly obliged to all my teachers जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा support किया। जी मैं 10th क्लास में था और मेरे 82% आए मेरे माता पिता और टीचर्स को जिन्होंने खूब मेहनत करी और मैंने भी सर स्कूल में पढ़ाया जाता था फिर मैं घर जाके दो दो बाजे वेट करता था उसे। आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर जो है बच्चों की मेहनत का एक फल होता है जो उनको बड़े लंबे इंतज़ार के बाद मिलता है और बच्चे आपने देखा है कि कितने एक्साइटमेंट से भरे हुए थे और खुश थे बहुत। उनके साथ साथ हमारी भी हम भी उन लोगों के साथ जागे हैं, मेहनत की है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर दौड़े हैं, तो हमें भी एक जो हमारे एक थकान थी वो भी दूर हो गई है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है हमारे यहाँ। गर्ल्स में ये समझ लीजिए कि बच्ची है वो हिना नाज है, हिना मिर्ज़ा, उसके 79% है और एक बच्चा है आपका ताबिश, उस वो 82% लेकर आए, टॉपर है हमारे यहाँ का। ऑलमोस्ट रिजल्ट अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, तो ऑलमोस्ट 99% रिजल्ट रहा है हमारा और बहुत यानी आगे के लिए हमें काम करने की एक और यानी प्रेरणा मिल गई है कि हम अब आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। देखिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करता रहेगा तो ऊपर वाला जो है वो मेहनत किसी की नहीं रखता है, तो कोशिश करेंगे, इफ़ यू वांट डू इट यू कैन डू इट देन नथिंग, इसलिए नाउम्मीदी ना करें, उम्मीद रखें और अपने आप पर भरोसा रखें, अगर खुद पर भरोसा है तो फिर आप जो चाहे काम कर सकते हैं। जिलाधिकारी राजीव शर्मा के आदेशों पर चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा के नेतृत्व में नई मंडी के गांधी कॉलोनी में अभियान चलाया गया, जिसमें गांधी कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन ने जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान की जहां कई लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे गलत करार दे रहे हैं। अगर इस पर गौर करें तो प्रशासन के अभियान से नगर में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं, अतिक्रमण वाले भेदभाव कर रहे हैं और यहाँ के सभी जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो जो है बात कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं, उन दुकानों को रोक रहे हैं जिनके पीछे वो है, दुकानें छोड़ रहे हैं, बाकी सबको जो है क्लियर कट बात है। ये बिल्कुल सोचा समझा अतिक्रमण हटाने का प्रोग्राम है, आम जनता को तंग करने का प्रोग्राम है। जो 1.5 इंच निकला हुआ था उसे तो तोड़ दिया, जो 6 फुट निकला हुआ उसे तोड़ने की क्यों रखनी समझ रहे क्या क्या नहीं चाहिए। जब आपने ये तय कर लिया नवीन त्रिपाठी से चढ़ रहे लोगों के जाल लगा ले आगे, उसके बाद थोड़ा मतलब क्या है, आप लोग तोड़ रहे नजायज कर रहे हो तो प्रसाद है, पानी है, धूप है, छज्जे अगर नहीं होगा, शेड नहीं होगी, ये सब कैसे होगा, और ये जो भी लागत है व्यापारियों की, व्यापारियों को मुआवजा कौन देगा, सीधा अतिक्रमण है उसे चलने फिरने में परेशानी है तो बताओ, अब छत है, छत के ऊपर कोई अच्छी शेड बनी हुई है तो उससे बचाव हो रहा है आपका धूल मिट्टी से, प्रसाद से, हर चीज से, लेकिन आप ये नहीं चाहते, और शेड रंगे कर दिए आपने, तो भेदभाव क्यों किया जा रहा भाई, भेदभाव का मतलब यह है इन द सेंस आपने ये बोर्ड तोड़ दिया, ये बोर्ड बचा दिया, क्या लॉजिक है आपका भाई।
ऐसे ही लग रहा है, ऐसी प्रतीत हो रहा है। अपनी अपनी खुलस निकालने के लिए अपनी नेता को बिठा के आपने ये दिखा दिया सुनील दयालो की भैया ऐसे हम अपने नेता को बख्श नहीं रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि अपक्ष रूप फर्नीचर के साथ रूप फर्नीचर को तोड़ा नहीं गया, साथ में सब तोड़ दिए गए, रूप फर्नीचर क्यों बचाया गया वहाँ पर? खिलौने की बात भी पूरे शहर की बात है भाई साहब, आप काम कर रहे हैं पक्षपात में, आप इनके साथ इनोसेंट होकर काम नहीं कर रहे आप। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नगर के शिव चौक स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा शीतल छबील का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने राहगीरों को ठंडे शरबत का वितरण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बुद्ध पूर्णिमा की महत्ता बताते हुए भगवान बुद्ध के संदेश को लोगों तक पहुँचाया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शीतल जल और शरबत का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि जल सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसने जल सेवा की उसका उसे पुण्य इसी जन्म में मिला है। हिंदू महासभा शुरू से ही समाज सेवा के लिए कार्य करती रही है और मुजफ्फरनगर में इसी तरह प्रत्येक रविवार को इसी तरह का शरबत का वितरण किया जाएगा और आगे से वितरण शिव चौक पर किया जाएगा। हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से इस सेवा में लगेंगे। इंजीनियर्स क्लब मुजफ्फरनगर में सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, जिसके तहत सोमवार को नगर के महावीर चौक पर शीतल जल प्याऊ सेवा का शुभारंभ किया गया। प्याऊ का शुभारंभ पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। यह प्याऊ प्रत्येक वर्ष लगाई जाती है, जिससे भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों को राहत मिल सके। ये इंजीनियर्स क्लब के द्वारा यहाँ पर शीतल जल सेवा का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि हमारा क्लब जो सामाजिक कार्य करता रहता है, सामाजिक कार्य के अंतर्गत ही ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर वर्ष शीतल जल सेवा शुरू की जाती है और ये लगभग 4 महीने चलेगी। सिर्फ 14 के दिन इसका समापन किया जाएगा। सभी लोग मिलकर इसका संचालन करते हैं। लगभग 10,000 लोग यहाँ पर प्रतिदिन पानी पीते हैं, क्योंकि ये बहुत ही व्यस्तम महावीर चौक हो रहा है यहाँ पर, और हर वर्ष हम इसका 10 वर्ष से लगभग इसका संचालन कर रहे हैं। सोमवार को भरतिया कॉलोनी में जीवन ज्योति योग साधना केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन हवन पूजन के साथ विधि विधान से किया गया। इस दौरान योगाचार्य आदेश कुमार ने योग केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया, जहां योगाचार्य आदेश कुमार ने साधकों को योगाभ्यास कराया और स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। आम जन लोगों के सेवा में और योग के बारे में, ताकि लोगों को पता चल सके कि योग एक कला है, ना कि कोई प्रदर्शन है। योग एक साधना है जिसका मिक्स प्राणों से और संतुलन आहार के द्वारा, यदि हम नियमित रूप से साधना करें और आहार पर संतुलन रखें तो किसी भी रोग को भगाने में बहुत सहायक योगदान हमें योग का मिलेगा। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।